रात होते ही हमारा आसमान ढेर सारे हजारों तारों से टिमटिमाने लगते हैं, जिनमें से कुछ तारे हमसे काफी नजदीक हैं, तो कुछ काफी दूर हैं, कुछ हमें अधिक चमकीले दिखाई देते हैं तो कुछ धुंधला सा। लेकिन आसमान में चमकने वाले वो सभी तारे जो हमें महज एक बिंदु जैसे दिखते हैं, वास्तव में वो सभी बेहद रहस्यमय हैं और आकार में हमारे सूरज से भी कई गुना ज्यादा बड़े हैं। तो गाइज, मैं हूँ स्वप्निल, स्वागत है आपको हमारे चैनल द साइज स्पेस में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी से 42 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ओरिगा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद कैपिला नाम के एक ऐसे तारे के बारे में जो साइज में हमारे सूरज से लगभग 12 गुना ज्यादा बड़े हैं। और आसमान में ये हमें बस एक डॉट जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक नहीं बल्कि 4 तारों का समूह है। तो वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग है, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। कैपिला स्टार ओरिगा नक्षत्र में स्थित रात के आसमान में चमकने वाला 6वां सबसे चमकीला तारा है, जो पृथ्वी के नॉर्थ हेमिस्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित आर्कटिकस और वेगा स्टार के बाद इस हेमिस्फीयर का 3रा चमकीला तारा है। ये हमारी पृथ्वी से लगभग 42.9 प्रकाश वर्ष या फिर 13.2 पार्सियस दूर है, जिसे आप सर्दियों के रात में अपने नग्न आंखों से भी आसमान में देख सकते हैं। खुली आंखों से देखने पर ये स्टार हमें महज एक चमकते हुए डॉट सा दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक डॉट नहीं बल्कि 4 तारों का समूह है, कैपिला AA, कैपिला AB, कैपिला H और कैपिला L। जैसे कैपिला AA और कैपिला AB, ये दोनों तारे येलो सुपर जायंट स्टार हैं, जो हमारे सूर्य से लगभग 2.5 गुना ज्यादा मैसिव हैं। जिनमें से कैपिला AA जो तारों की स्पेक्ट्रल टाइप में K0 क्लास का एक ठंडा और चमकीला तारा है, जो हमारे सूरज से लगभग 78 गुना ज्यादा चमकीले हैं और लगभग 12 गुना ज्यादा विशाल हैं। उसके बाद कैपिला AB जो एक G1 क्लास का तारा है, जो सूर्य से 73 गुना अधिक चमकीले हैं और 9 गुना बड़े हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये दोनों तारे एक दूसरे का परिक्रमा बेहद नजदीक से करते हैं, जो दूरी हमारे सूर्य और पृथ्वी की दूरी से भी कम है। सिर्फ 0.74 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से ये दोनों तारे एक दूसरे का परिक्रमा सिर्फ 104 दिनों के कक्षा में ही कर लेते हैं। वहीं उसके बाद कैपिला H और कैपिला L नाम के दो और छोटे तारे, जो मुख्य तारे कैपिला AA और कैपिला AB से लगभग 10,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर स्थित हैं, जो एक दूसरे का परिक्रमा 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से करते हैं, जिस एक परिक्रमा करने में इन दोनों तारों को 300 सालों का समय लग जाते हैं। अगर इन दोनों छोटे तारों की बात करें तो ये मेन सिक्वेंस रेड ड्वार्फ तारों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें से कैपिला H एक M25 क्लास का रेड ड्वार्फ तारा है, जो आकार में हमारे सूर्य के सिर्फ 0.54 भाग जितने ही बड़े हैं और अपने अंदर सिर्फ 0.54 सोलर मास ही रखते हैं। वहीं कैपिला L भी एक रेड ड्वार्फ तारा ही है, लेकिन ये M4 टाइप तारों के स्पेक्ट्रल टाइप में आते हैं और ये भी अपने साथी कैपिला H जैसे ही बेहद छोटे, कम चमकीले और काफी कम मैसिव है। इस तारा मंडल के दोनों प्रमुख तारे कैपिला AA और कैपिला AB, जो दोनों एक वेरिएबल स्टार हैं, अर्थात इनकी चमक हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, समय समय पर इनकी चमक में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हाल ही में किए गए इन दोनों तारों पर अध्ययन से ये पता चला कि आज से लगभग 1,60,000 साल पहले ये दोनों तारे रात के आसमान में चमकने वाले सबसे चमकीले तारे थे और उस समय इनके अपेरेंट मैग्नीट्यूड -1.8 के करीब होंगे, जो कि इसे सीरियस तारे से भी ज्यादा चमकीले बनाते होंगे। लेकिन समय के साथ साथ अब इनके चमक काफी कम हो गए हैं। वैसे ये दोनों तारे बेहद विशाल और मैसिव हैं, जिसके कारण ये काफी अधिक मात्रा में अपनी ऊर्जाओं को खोता जा रहा है, जिससे सिर्फ कुछ मिलियन सालों के बाद ही ये दोनों तारे दम तोड़ सकते हैं। वहीं इनके दोनों पड़ोसी कैपिला H और कैपिला L जो एक रेड ड्रॉप स्टार है, जो काफी कम मैसिव, काफी छोटे और बेहद कम चमकीले हैं, ये दोनों तारे अभी भी कई बिलियन सालों तक अपनी जगह पर बने रहेंगे, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक उम्र इसी रेड ड्रॉप तारों की होती है, क्योंकि इस टाइप के तारे काफी कम मात्रा में अपनी एनर्जी को फ्यूज करते हैं। अगर आप भी अपने खुली आंखों से कैपिला तारे को आसमान में देखना चाहते हैं तो जनवरी से मार्च महीनों के बीच आप इसे ओरायन तारा मंडल के ठीक उत्तर में स्थित ओरिगा नाम के कुछ इस तरह के तारा मंडल में देख सकते हैं। ये तारे ओरिगा तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा है, जिसे आप साफ साफ हल्के नारंगी रंगों में चमकते देख सकते हैं। तो बस गाइज, आज इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई सुझाव या फिर प्रश्न हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो मिलते हैं और भी इसी तरह के बहुत सारे स्पेस वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।